जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। नॉर्मली आपको पता है पाकिस्तान की सरकार तो सोई हुई है, जिनों साड़ी पंजाबी कहते ना सतू पीते ने, और दे हैव डिसाइडेड वन थिंग कि भारत धमकी दे, बुरा भला कहे, जो मर्जी के जवाब ही नहीं देना। और ये मुझे इस चीज का ये पता चलता है, इसकी ये बहुत सारी बातें निशानियां होती है ना, आपकी निशानियां हैं, क्या निशानियां हैं, आप कमजोर हैं, आप किसी को अटेंशन नहीं देना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं, इंडिया में क्या इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये सारी चीजें जो हैं वो हम देखते हैं कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर भारत अगर एक मिसाइल दाग देता है और वो मिसाइल पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान की सरकार को इस चीज का पता चलता है कि ये मिसाइल तो इन्होंने फायर की और हमारी लीडरशिप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि हम उस मिसाइल को देख रहे थे, वो आ रहा था, फिर वो आ गया, फिर वो गिर गया और फिर हमने उसको देखा, फिर हम वहां पे पहुंचे। अगर हम इसी तरह की बातें बताते गए तो फिर अपनी आवाम का क्या करेंगे। आप देखिए राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि अब ये वो इंडिया नहीं है, ये इंडिया बदल चुका है, हम घुस के मारेंगे, आपको मारेंगे, और हम यहां से नहीं मारेंगे, हम वहां पे आके भी मारेंगे। और मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की अक्रॉस स्पेक्ट्रम कोई सियासी लीडरशिप, मजहबी हो, दाएं बाजू के हो, बाएं बाजू के हो, किसी सियासी जमात को फर्क ही नहीं पड़ता। या तो फिर पाकिस्तान ये समझ बैठा है कि यार ये जो लीडरशिप बैठी हुई है वहां पे, इनको जवाब नहीं देना, बिकॉज ये लीडरशिप सारी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक वो लगे हुए हैं, एक रेटरिक में लगे हुए हैं, इनको इस चीज का पता है कि आप पाकिस्तान के बारे में बोलते रहो, बातें करते रहो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये एक तरफ तो आपको पता है इस वक्त छत्तीसगढ़ में वो जो एक मॉइस्ट इंसर्जेंसी चल रही है, और एक तो वो वहां पे जारी बात है भारत की सरकार मसरूफ है, दूसरी तरफ ये जो बयान देना है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन है वहां से, या इसका मतलब ये है कि नहीं जनाब आप पाकिस्तान को जो है वो हम कहते रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, और इलेक्शंस भी आ रहे हैं। सो एक तरफ आप ये करो कि मोदी साहब वाशिंगटन होके आए हैं, G20 की लीडरशिप हमारे पास है, SCO की लीडरशिप हमारे पास है, और हम जो है वो साथ में पाकिस्तान को भी दबा दिया और बोल दिया कि जी हम ऐसे भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान से जो लोग आते हैं फ्रीडम वाले जो लोग हैं वो फ्रीडम नहीं है, वो दहशतगर्दी है, ये है वो है। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो अब देखे ना, ये खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो नेबर है वो हमारे साथ डू मेस विद अस, ठीक है जी, और वो कहते हैं कि ना हम सिर्फ यहां से मारेंगे, हम वहां पे भी आके जो है वो आपको मारेंगे, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आई रियली वॉन्ट कि इसको क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका नोटिस ले रही है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी सोई हुई है, या पाकिस्तान ये समझता है कि बस ठीक है इलेक्शंस हैं आने वाले अगले साल तो मोदी साहब को क्यों कहिए सारा कुछ करना है, या फिर ये है कि अगर मोदी साहब की जो सरकार है वो उधर मणिपुर वगैरह में दे जस्ट कैन नॉट पे अटेंशन टू इट एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल इट, सो हम ऐसे करें कि ये पाकिस्तान की तरफ डायरेक्शन डाल दें। सो बड़े सारे फैक्टर्स तो हैं, लेकिन क्या हम वाकई तैयार हैं, क्या हम जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको हम कैसे देखते हैं पाकिस्तान की, क्या हम ये जो ये कहा हुआ है कि हम अपनी जो न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है वो जो कि पाकिस्तान ने अभी तक इंट्रोड्यूस वैसे नहीं बताई नहीं हुई दुनिया को, अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, क्या पाकिस्तान ये समझता है कि हम अपनी जो है वो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी तो नहीं रखते, हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़े हथियार हैं और हम उन्हीं से लड़ना जानते हैं या उन्हीं से लड़ सकेंगे, क्या ये भी एक पाकिस्तान की सोच है। लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज तो दिखाई है कि पाकिस्तान रिस्ट्रेंट दिखाता है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है आप कभी नहीं देखेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के मुंह से जंग का लफ्ज निकला हो, न्यूक्लियर का लफ्ज निकला हो, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हम जवाब देंगे, हम दुश्मन को जवाब देंगे, जब देना पड़ा हमने माजी में भी दिया, इस तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज का तो बड़ा अच्छे से पता है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री कैपेबिलिटी में जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं दैट्स ओनली चॉइस, हम इसीलिए कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में समझते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, इंडिया की फोर्स ज्यादा है, फिर हमसे जंग लड़ी नहीं जानी, जंग लंबी हो जानी है,
और हम ये प्रोटेक्टेड वॉर नहीं लड़ सकते। उसके लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास शायद लड़ने के लिए 26 दिन की हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अमूमन इतने आसान तो नहीं होती जंगें लड़ना। अगर आज अमेरिका और चीन की जंग हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव लॉन्गर, बिकॉज आपकी जंग फैली हुई है बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे फ्रंट्स हैं। सो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। मैं इसको मिलिटैरली नहीं देख रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर वाकई ये कह रहा है कि हाँ हो जानी है। मैं इसको देख रहा हूँ कि वाई पाकिस्तान पोलिटिकल जो कल्चर है, जो पॉलिटिक्स है, वो खामोश क्यों है। क्यों पाकिस्तान समझता है कि यार ये नहीं, बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों पाकिस्तान ये समझता है कि नहीं यार ये जिंगोइज्म नहीं होनी चाहिए। मुझे एक दफ़ा एक सफारतकार ने बताया, बिरूने मुल्क के सफारतकार थे, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर, आई थिंक शेख रशीद साहब का, उन्होंने मुझे बताया कि वो जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये कह दिया कि हम जो है इस खत्ते में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो वो कहते हैं मैं आई वॉज शॉक टू सी दिस कि एक सिटिंग पाकिस्तानी मिनिस्टर ये बातें कह रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो कुछ भी कर सकती है क्या? कैसे हालात हैं, कैसा एनवायरमेंट है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आऊंगा, मैं चीज़ों को नॉर्मलाइज क्या करूंगा, व्हाट शैल आई राइट टू माई कैपिटल बैक होम, मैं क्या करूंगा और क्या लिखूंगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली हमें बताते हैं कि पाकिस्तान कोई शायद इररिस्पॉन्सिबल बयान नहीं देना चाहता। और वो जो जिंगोइस्टिक किस्म के बयान देने वाले जो लीडर होते थे, पर्टिकुलरली शेख रशीद साहब, वो तो आजकल भागे हुए हैं, क्योंकि वो उन्होंने पहली दफ़ा जिंदगी में फैसला किया है कि हमने फौज के खिलाफ खड़े होना है। शेख रशीद साहब के बारे में कहा जाता है कि ये फौज के बंदे हैं, ये फौजी बयान देते हैं। उनको आई थिंक किसी पाकिस्तान के किसी बंदे ने बता दिया कि जी पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी हैं और टेक्टिकल वेपन्स भी हैं, जिसमें ये जो छोटे शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, नसर, ये वो हैं, जो कि छोटी रेंज के वाले हैं, 70-80 किलोमीटर वाले, 100 किलोमीटर वाले भी हैं। तो उन्होंने उसको जो अपनी ज़ुबान में तशरीह की, रावलपिंडी की ज़ुबान में तशरीह की, उन्होंने कहा जी कि ये तो वो हैं पाव पाव वाले, आधा आधा पाव वाले। तो जब भी हमें इंडियन मीडिया पे जाने का इत्तेफाक होता है तो वो हमें कहते हैं यार ये कैसा मुल्क है जो कहता है हमारे पास आधा आधा किलो वाले भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो वो ऑब्वियसली इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग दिस टैक्टिकल वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, जिसको जारी बात है बाकी दुनिया तो समझती है, लेकिन जो नैरेटिव है, जो पब्लिक मीडिया, जो पब्लिक डिस्कोर्स जनरेट होता है उससे, दैट वॉज नॉट वेरी वेलकमिंग। और लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है। हर दौर में जो रियासत होती है उसके पास कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं रियासत के लिए। इसीलिए इंडिया के हवाले से पाकिस्तान के पास कुछ लोग रहे हैं। शेख रशीद इज वन ऑफ दोज, फवाद चौधरी साहब हुआ करते थे किसी दौर में, वो भी कभी कभी जो है वो GHQ को खुश करने के लिए अपने इस तरह के बयानबाजी कर लेते थे, लेकिन वो बयानबाजी उनके किसी काम नहीं आई क्योंकि वो इमरान खान के साथी बन गए और बाद में उनको जो है वो सियासत से ही हाथ धोने पड़ गए। इस वक्त उन्होंने कहा है कि मेरा कोई सियासी किरदार नहीं है और वो छुपे पड़े हुए हैं और इस तरह करके। बहरहाल ये भी एक एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि वो जो किरदार होते थे जो बोलते थे, लार्जली इस तरह के जो किरदार हैं आपको या तो इतने स्ट्रांग पॉलिटिकल एक्टर्स नहीं होते या फिर उनके इतनी कुछ स्ट्रांग रूट्स नहीं होती। मीडिया सेवी होते हैं, मीडिया उनको बड़ा पसंद करता है, वो मीडिया के में आते हैं जाके, वो जिसे कहते हैं ना आके बस बोल दिया जो दिल था बोलना था, जैसे दिल किया वो बोल दिया और मीडिया ने उसको हाईलाइट कर दिया, लोगों को बड़ा मजा आया बात करने का, सुनने का, एंजॉय करने का। कभी कभी ऐसे लगता है कि ऐसे किरदार भी रियासत के पास होते हैं, लेकिन शायद वो किरदार सारे इस वक्त गायब हैं। और उसकी वजह ये है, किरदार गायब होने की वजह ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ये बेसिकली ये किरदार गायब होने की और ये वजह किया है कि रियासत जो सियासी जमातें बनाती थी उन सियासी जमातों में कुछ लोग होते थे तो वो पार्ट टाइम ये काम भी करते थे, लेकिन अभी कोई वो शख्स नहीं है। लेकिन इंडिया को ये एडवांटेज हासिल है कि वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं जो कि हुकूमत में होते हैं वो ही अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल माइलेज फॉर वोट विनिंग, एज अ वोट विनिंग क्लॉज, इस तरह के जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक अवाम के अंदर एक बयानिया जो है वो जो दाएं बाजू एक बयानिया है भारत के अंदर, जो कि सरकार का बयानिया है, जो कि BJP का बयानिया है, जो कि उनकी जो कोर ऑर्गेनाइजेशन RSS का बयानिया है, उसको लेकर के चलें और ये कहें कि जी हम ये कर सकते हैं। सो ये
अभी तो लार्जली हमने देखा है कि इंडिया समझता है कि पाकिस्तान से बात करना भी जरूरी नहीं है, उनका मीडिया, उनके लोग वो समझते हैं। मुझे एक दफा किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने बताया कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स के क्यों करें, हमें तो वो फायदे ही नहीं मिलना, हमें तो वो कारोबार ही नहीं है पाकिस्तान में होना, तो हम क्यों पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स की बात करें, हमें तो नहीं स्पोर्ट्स का कोई एडवांटेज मिलना वहां से। तो ये क्वेश्चंस हैं इंडिया के पास बहुत ज्यादा तेजी से आ रहे हैं कि यार पाकिस्तान की तो क्रिकेट ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ही कोई नहीं है। सो इंडिया समझता है कि दिस इज एन इररेलीवेंट कंट्री। तो जिस तरह अगले दिन मुझे किसी ने बताया, मैंने शायद देखा, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं फॉलो नहीं कर सका कुछ चीजों को, तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद मोदी साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कोई कहा कि शायद उनको रहने दो, वो खुद ही मर जाएंगे, वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो इट मींस के एक तासुर दिया जा रहा है कि हाँ हमें तो चाइना से बात कम्पीट करना है। मुझे किसी रिसेंटली मैंने किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम तो पाकिस्तान तो हमारा कॉम्पिटेटर ही नहीं है, हमारा कॉम्पिटेटर तो चाइना है। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल माइंड गेम है, दिस इज नॉट इन रियलिटी, रियलिटी इज समथिंग एल्स, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल। ये जी आपको जी हमारा तो चाइना है और ये है ना बोल दैट, मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन मिलिट्री इज ऑल रेडी टू इन अ कॉम्पिटिशन विद चाइना, चाइना के और तरह की फौज और तरह की चीजें हैं। सो ये एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि इंडिया को समझ आ गई यार पाकिस्तान से थोड़ा दूर रहो, अपने आप को लिंक करो वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, ऐसी बातें करो, इकोनॉमी, बिजनेस, ट्रेड, और पाकिस्तान को बस कहते रहो टेररिस्ट स्टेट, टेररिस्ट स्टेट। आपने अगर देखा हो कि डॉक्टर जयशंकर जब भी बात करते हैं तो एक ही बात करते हैं, टेररिस्ट स्टेट है ये, टेररिस्ट स्टेट है, इसमें कुछ नहीं है, हम यहाँ पे बात ही नहीं करना चाहते और हम इनसे वो कुछ नहीं डिस्कस ही नहीं करना चाहते, हम इनके साथ इंगेज ही नहीं होना चाहते। और जैसे अगर आपको याद हो कि प्राइम जब शबाश क्या नाम है उनका, हमारे जो थे मिनिस्टर साहब गए, ठीक है जी, और मिनिस्टर साहब गए उधर क्या नाम है इंडिया, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, तो डॉक्टर जयशंकर ने उसी दिन मिनिस्टर साहब को जो है वो टफ टाइम दे दिया और कह दिया जनाब के पाकिस्तान जो है ही वॉज वेल रिसीव्ड एज ए फॉरेन मिनिस्टर बट ही वॉज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ ए टेररिस्ट स्टेट एज वेल। सो ये इस वक्त तो वो कहते हैं पाकिस्तान को बस टेरर टेरर करके इनको इधर दबाते रहो, इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे इंगेज होने की कोई जरूरत नहीं है, और यही हमारे इंटरेस्ट में है, यही हमें सूट करता है, यही हमारे लिए अच्छा है। सो दिस इज वॉट इंडिया इज डूइंग इन रियालिटी वेन इट कम्स टू पाकिस्तान के हवाले से। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास एक तो वो पोलिटिकल वो नहीं रहे, लोग नहीं रहे, और फिर दूसरा हम इंडिया के हवाले से बात भी नहीं करते। अगर आपको याद हो मोदी साहब का विजिट किसी ने डिस्कस नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के मीडिया ने उस पर डिस्कस किया, क्या डिस्कस करें, अमेरिका के खिलाफ बात करनी नहीं है, स्टेट पॉलिसी है लार्जली, इंडिया के खिलाफ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, तो वो बनती नहीं थी। सो इट्स बेटर नॉट टू गिव अ कवरेज, सो कवरेज ही नहीं दी मोदी साहब के ट्रिप को। चीन जाएंगे तो चीन के साथ तो हमारी दोस्ती है तो वो प्रो चाइना एंटी इंडिया बात आप करेंगे, यूरोप लार्जली जाएंगे तो क्या बात होगी, हमें वो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने भी फैसला किया हुआ कि खामोशी इख्तियार करो, बात ना करो। अभी रिसेंटली ये जो LOC के ऊपर वाकयात हुए हैं इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने कोई लार्जली बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट किया है जिसको पोलिटिकल लीडरशिप ने उठाया हो। हालांकि ये बहुत बड़ी वायोलेशन है कि इस तरह की चीज हुई, इंडिया कह रहा है कि टेररिस्ट आ रहे थे, इंडिया कह रहा है कि ऑन द वो जो चरवाहों की शक्ल में ये आ रहे थे, पाकिस्तान खामोश है या क्या बयान दिया है इसमें, मैंने फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट नहीं देखी, लेकिन लगता तो ये है कि चीजें जो हैं वो एक और डायरेक्शन में हैं एंड थिंग्स आर नॉट द वे दे शुड बी। सो लेट्स सी कि डॉक्टर राजनाथ सिंह साहब की ये जो बयान है, ये जो एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट है, इट विल गो अनआंसर्ड, इट विल नॉट हैव एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द पोलिटिकल क्लास, बिकॉज के पोलिटिकल क्लास कंप्रोमाइज है, पोलिटिकल क्लास भागी हुई है, पोलिटिकल क्लास डजेंट वॉन्ट टू सपोर्ट द मिलिट्री ऑल द टाइम्स। देर आर पोलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान वो जो कहते हैं हम कोई इनके स्पोक्स पर्सन थोड़े हैं क्योंकि दे वॉन्ट अ गुड टाइज विद इंडिया। सो बहुत सारी और चीजें भी हैं, लेकिन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऑफेंसिव पे रहे हैं हमेशा टू गिव अ मैसेज टू इंडिया, लेकिन मेरा ख्याल है बिलावल साहब ही हैज मिस द बोट, ही हैज मिस द बोट इन अ वे के वो चाहते थे कि मैं एंटी इंडिया बात करके आई शुड विन द मिलिट्री, लेकिन मेरे ख्याल से इन अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट आई थिंक शबाज शरीफ ने गिव अ मैसेज एंड